वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग हॉल वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग टाइटल से पहले पढ़ चुके हैं कि आज एक मीशो कुर्ती हॉल होने वाला है, बिकॉज समर्स है, तो समर्स में समर काइंड ऑफ कुर्ती पहनना हर लड़की को पसंद है, मुझे भी पसंद है। सो आई थॉट कि क्यों ना एक कुर्ती हॉल करा जाए, बिकॉज सब लड़कियों को इंडियन पहनना बहुत ज्यादा पसंद है। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंने जो कुर्तीज ऑर्डर करी है वो थोड़ी सी समर काइंड ऑफ है, समर परफेक्ट है और सब कुछ अंडर 500 की रेंज में ही है। सो डोंट यू वरी गाइज। ओके, सो गाइज, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी फर्स्ट कुर्ती की तरफ। इट्स नॉट ओनली कुर्ती, जो फर्स्ट मेरी है ये कुर्ती है, प्लस इसके साथ एक ये प्लाजो है। सो कुर्ती प्लस प्लाजो। एंड गाइज, जब मैंने ये वाली देखी थी तो मैं तब से मुझे वेट था, लिटरली मुझे इस वाले का वेट था, पता नहीं क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगी थी ये मॉडल पे ही, तब से मेरे को बहुत ज़्यादा वेट था। ओके, सो गाइज, दिस इज द कुर्ती। ये डार्क ब्लू कलर की कुर्ती है एंड ये वन स्ट्रिप वाली है। गर्मियों में मुझे ये वन स्ट्रिप पहनना बहुत ही अच्छा लगता है, हल्का फुल्का ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है गर्मी में। एंड दिस इज द कुर्ती। सो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी कुर्ती है ये आप डेनिम के साथ भी पहन सकते हैं, बट इसके साथ मैंने सिर्फ व्हाइट वाले के साथ जो पेयर अप किया था, एक व्हाइट कलर का एक प्लाजो काइंड ऑफ है एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था मुझे ये कॉम्बिनेशन। एंड मुझे लिटरली वेट था कि कब ये वाली कुर्ती आएगी, बिकॉज ये वाली कुर्ती पहनने का मैं वेट कर रही थी और मुझे परफेक्ट लग रही थी समर पे, हल्के फुल्के, कभी कभी बिल्कुल ज़्यादा ना गर्मी में आपको ऐसे इंडियन पहनने का मन करता है, राइट? तो आप ये पहन सकते हैं, बिकॉज मुझे कभी कभी मन करेगा तो मैं ये स्ट्रिप्स नहीं है ना उसमें, तो ये बहुत गर्मी के लिए ठीक होगा, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा फुल बाजू में। सो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया एंड मुझे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा कॉम्बिनेशन लगा एंड सब कुछ अराउंड 500 के अराउंड ही है। तो प्राइजेस मैं कहीं साइड में लिख दूंगी, बिकॉज अगेन मैंने कहीं पर भी नोट नहीं किया है, क्या हो गया मुझे, कोई बात नहीं, पर आपको साइड में कहीं प्राइजेस दिख जाएंगे गाइज। एंड दिस कुर्ती एंड दिस प्लाजो इज सो ब्यूटीफुल, मतलब मुझे ये गर्मियों के लिए समर्स परफेक्ट लग रहा था। गर्मियों में ऐसे हम हल्के फुल्के से सूट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छा लगते हैं, मैं ज़्यादा सूट्स पहनती नहीं हूँ, पर जब ऐसे कुछ देखती हूँ मैं तो मेरा मन करता है कि क्यों ना गर्मियों में थोड़ा ऐसे कुछ पहन के बाहर निकले। नॉर्मल डेज में भी ज़रूरी नहीं कि कुछ इंडियन हो, पहनने के लिए कुछ ओकेजन होना चाहिए, कभी कभी ऐसे नॉर्मल पहनना भी अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस, मुझे अच्छा लगा है गाइस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड अगेन। ये एक कुर्ती है और उसके साथ एक पजामी है एंड आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम में इतने लोगों को ये वाला पहनते हुए देखा हुआ है ना, इतनी बार देखा है, सो आई थॉट कि मैं भी ऑर्डर कर लेती हूँ। सो दिस इज आवर सेकंड कुर्ती एंड इसके साथ ये प्लाजो है। तो सबसे पहले मैं प्लाजो दिखाती थी, बिकॉज प्लाजो में ऐसा कुछ खास है नहीं। सो दिस इज द नॉट प्लाजो, पजामा बोलते हैं ना इसको, प्लाजो तो वो नहीं, दिस इज द पजामा। एंड इसके साथ जो है हमें ये कुर्ती मिली है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी इंस्टा पे या कहीं पे देखा ही होगा, बिकॉज मैंने बहुत बार देखा है। सो दिस इज द कुर्ती येस। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है लगी है कि दिस इज हाईली स्लिट, तो आप इसे डेनिम के साथ पहनो, ये हाई स्लिट पूरा दिखेगा तो ये बहुत प्यारा लगने वाला है। मैंने डेनिम के साथ ना पहन के इसी के साथ ही पेयर अप कर लिया था, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा इसका लुक, और मॉडल पे अच्छा लगा था, मुझ पर इतना नहीं लगा, हल्का फुल्का थोड़ा लूज था, तो उसकी फिटिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे मेरे ऊपर, सो मे बी दैट्स वाई इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। एंड दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ वाइब, इससे मुझे थोड़ी वाइब भी नहीं आ रही थी, तो ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। ओके, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बट मे बी आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो में, तो आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग जा सकते हैं इसको लेने के लिए। मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, फर्स्ट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मेरे को वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसके बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आपको अच्छा लगा तो गो फॉर इट गाइस। ओके गाइस, वैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर से मेरा फास्ट भी आज, तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है, सो प्लीज़ गाइस डील विद इट, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से शूट कर सकूँगा, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं गाइस। ओके, सो गाइस नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड वन। सो गाइस, जो थर्ड वाला है वो तीन जो है कुर्तीज है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड दिया उसमें कुर्ती थी प्लस इसका प्लाजो या पजामा जो भी था उसके साथ में था, बट बाकी जो तीन बची है वो सिर्फ कुर्ती है, उनके साथ कुछ पजामी कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ कुर्ती है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड वन। दिस इज द कुर्ती एंड दिस इज क्या बोलेंगे, इसे पैरेट ग्रीन, बिल्कुल पेस्टल कलर है, एंड दिस इज आई थिंक पैरेट ग्रीन बोलेंगे गाइस। दिस इज
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर इतना प्यारा कलर है, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा था। रोज गर्मी में अच्छा लगता है इतना ना लाइट लाइट है, तो वाइब्रेंट कलर पहनना तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा कलरफुल अच्छा लगता है मुझे तो। सो दिस इज द कुर्ती एंड इसके साथ ये साइड में इनके ये लटके हुए, तो दिस इज वेरी क्यूट, दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट, क्या बोलते हैं इनको जो भी बोलते हैं, सो दिस इज वेरी क्यूट। एंड गाइज ये जो मैं सारे सूट्स मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किए थे बिकॉज मुझे स्मॉल साइज ही आता है, बट ये वाला स्मॉल साइज में उस वक्त अवेलेबल नहीं था, सो मैंने इसको मीडियम साइज में ऑर्डर कर दिया। बट मुझे लगा था मीडियम साइज में बहुत ज़्यादा लूज होगा, बट इसमें अच्छी बात ये है कि इसके साइड में जो ये लटक रहा है ना, ये मुझे नहीं पता इस वजह से शो ऑफ के लिए होते क्या होते, बट मैंने क्या किया था इनको पीछे से ऐसे करके बांध लिया था ताकि ये मेरे को थोड़ा सा फिट हो जाए। सो वो आई थिंक वो बहुत ही सही आइडिया था मेरा, बिकॉज लटकने से अच्छा ऐसे पीछे करके बांध लो तो वो आपको फिटिंग में ठीक हो जाएगा। तो मुझे अब इसे फिटिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज फिटिंग वाइज मुझे सही आ रहा था ऐसे पीछे करने के बाद। एंड इसमें दो है, तो एक पीछे कर लिया था, एक मैंने ऐसे साइड में ऐसे नॉट कर लिया था, तो अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट क्यूट लग रहा था। एंड इसके साथ कोई पजामी नहीं है, सो दैट्स वाई मैंने एक वाइट कलर की पजामी थी मेरे पास पहले से ही पड़ी हुई थी, सो मैंने वो वाइट कलर की पजामी ही इसके नीचे पहन ली, पर ये इतना लॉन्ग है आई डोंट थिंक इसके नीचे कुछ वैसा पहनने की जरूरत है, बट स्टिल वाइट कलर की पजामी आई थिंक बेस्ट है कि आप इसके नीचे पहन लो। एंड आगे भी जो दो मेरे और कुर्तीज़ है वो भी सिर्फ कुर्तीज़ है, तो उसके नीचे भी मैंने वाइट कलर की पजामी ही पहन के उसको मैचअप कर लिया था। ओके गाइस, सो दैट वाज आवर थर्ड कुर्ती, जो इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, लिटरली मुझे इसका कलर इतना प्यारा लग रहा है, बहुत पेस्टल काइंड ऑफ कलर है, तो गर्मियों में ऐसा से कलर अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो जाइए पहनिए, बहुत सुंदर कलर है यार, लिटरली आई जस्ट लव दिस कलर। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ कुर्ती। सो गाइस, जो हमारी फोर्थ कुर्ती है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, इतनी प्यारी इतनी प्यारी इतनी प्यारी हम बता नहीं सकते कितनी प्यारी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और ये ब्लैक कलर की है। सो ऑब्वियसली ब्लैक एंड पिंक आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे अब तक उन्हें पता चले होगा कि ब्लैक और पिंक कलर तो मेरा मोस्ट फेवरेट होता ही है हमेशा। सो गाइज, दिस इज आवर फोर्थ कुर्ती, सो दिस इज आवर फोर्थ कुर्ती। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इसे मीशो पे या इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं देखा होगा, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे लोगों को ये वाला पहने हुए देखा है, मे बी वाइट कलर में भी देखा है एंड ब्लैक में भी देखा है, तो मुझे ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज एज यू गाइज ऑलरेडी नो ब्लैक के साथ मेरा कुछ अलग ही कनेक्शन है, मुझे अच्छा लगता है, सो मैंने इसे ब्लैक में लिया। और भाई ये वाइट पजामा जो मैंने बोला था वही मैंने इसके साथ भी करा था, वो इतना परफेक्ट लग रहा था ना, ये मतलब लग रहा था इसी के लिए बना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल परफेक्ट आई है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मीशो से मैंने कोई कुर्ती या कुछ ऑर्डर करी और मुझे इतनी परफेक्ट आई, मतलब बाकी सब में थोड़ा थोड़ा लूज वूज होता ही है, बट दिस इज़ द परफेक्ट, मतलब इतनी परफेक्ट है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ही बनी है, बिल्कुल फिटिंग परफेक्ट है यार। दैट्स वाई इसका जो लुक है बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि इसकी फिटिंग परफेक्ट थी। ये कुर्ता इतना प्यारा है, इसके जो डिज़ाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन है, वो वाइट कलर की पजामी के साथ ये बिल्कुल माशाल्लाह लग रहा था, माशाल्लाह। ये गाना बहुत प्यारा है वैसे, हाँ। सो इस गाने से मुझे कुछ दिमाग में मेरे बत्ती जली, वो आपको बाद में पता चलेगा। ओके सो इस कुर्ती और ये वाइट वाला जो मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट है आई थिंक, मुझे अभी तक जो ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि फिटिंग वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सो दैट्स वाई आई रियली लव दिस ब्लैक वाला, सो दिस इज़ माई फेवरेट अभी तक जो जितने भी मैंने दिखाए, मतलब ये फोर्थ वन था। अब जो बची है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड एनी गेसेस कौन सी बची होगी, इतने तो स्मार्ट हो ही आप लोग, बता ही सकते हो, बताइए बताइए, चलिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करती। सो गाइज, दिस इज द लास्ट कुर्ती जो मैं पहन के बैठी हूँ, दिस इज द कुर्ती, एंड मुझे ये वाली कुर्ती इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है, बिकॉज ये हल्की सी लूज है, ये कुर्ती आपको साइड में दिख जाएगी, ये थोड़ी हल्की फुल्की लूज़ है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फिटिंग भी नहीं है, हल्की फुल्की, तो हल्की फुल्की इतना चलता है गर्मियों में, थोड़ा सा लूज लूज भी हो, तो इसलिए मैं सोचा इसी को पहन के हॉल वीडियो शूट करती हूँ। एंड द कलर, इसका कलर मुझे नहीं पता, वीडियो में आई थिंक थोड़ा ब्लू ब्लू लग रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट ब्लू, ये कोई डिफरेंट काइंड ऑफ कलर है, मुझे इस कलर का नाम भी नहीं पता, जब मैंने देखा था इसका कुछ टील करके कुछ नाम लिखा हुआ था, TEAL टील, सो मुझे नहीं पता ये टील कलर कौन सा होता है, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ कलर सुना, बट ये थोड़ा डिफरेंट कलर था जो आई थिंक मेरे पास आज तक ऐसा कुछ कलर नहीं है, सो दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस इन दिस कलर, टील जो भी है ये कलर, सो मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा यू नो अच्छा लग रहा था यार, ये हल्का फुल्का, इसके साथ आप डेनिम के नीचे भी पहन सकते हैं, मैंने वाइट के साथ ही पहन लिया था, बट ये वाइट के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहा था, आई थिंक
वीडियो तक मैं तीखे पर अगर मैं बाहर जाऊँ तो ये वाइट ट्रांसपेरेंट जो नीचे दिख रहा था वो बहुत ज़्यादा दिख रहा था। सो मे बी वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि वो इतना बहुत ज़्यादा विजिबल था यार। अगर बाहर जाना तो आपको इसके नीचे अगर आप डेनिम पहन लोगे तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो मुझे डेनिम के साथ ट्राई करना चाहिए था बट ओके मैंने व्हाइट वाले के साथ ही पेयर अप कर दिया था। इट्स योर अप टू क्या बोल रही हूँ मैं आज, लिटरली आज मेरी बैटरी जा चुकी है। सो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, आपको कैसे पेयर अप करना है, इट्स अप टू यू गाइज आप लोग कैसे पेयर अप करना चाहते हो। मैं अगर बाहर पहन के जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली से डेनिम के साथ ही पेयर अप करूँगी। आई थिंक डेनिम के साथ ज़्यादा बेटर लगेगा। व्हाइट कुर्ती के साथ बहुत ज़्यादा विजिबल था सो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होगा बाहर अगर मैं निकलूँगी, और ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पर ये कुर्ती बहुत प्यारी लग रही है यार, मुझे लिटरली मुझे कुर्ती बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है, ये वाली एंड द ब्लैक वन, ये दो कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। एंड क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। वैसे भी आजकल मुझे इंडियंस पहनने का ज़्यादा शौक आ रहा है बट मैं बाहर कहीं पहन के जा ही नहीं पाती। सोचती हूँ कि यार जब मैं ये पहन के जाऊँगी वो पहन के जाऊँगी बट नहीं जा पा रही हूँ, बस इतनी गर्मी है कि मैं कहीं बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। और ऑफिस में मैं इंडियन वेयर ज़्यादा करती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऑफिस में इंडियन पहनना इतना पता नहीं क्यों इतना अच्छा नहीं लगता। पर आई विल ट्राई कि मैं ऑफिस में ही ये इंडियन पहन के अपने शौक पूरा कर सकूँ। ओके लगता है मैं फालतू की बातें करने लग गई हूँ, अभी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ओके गाइस सो वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज अपनी सारी कुर्तीज दिखा चुकी। आई होप आपको कोई अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा मुझे अगर मैं बोलूँगी तो दिस वन हाईली रिकमेंडेड बिकॉज मुझे ये प्यारी लगी, और दिस ब्लैक वन, क्योंकि इस ब्लैक वाले का भी यार लुक बहुत प्यारा है। मे भी गर्मी में कुछ लोग बोले कि ब्लैक नहीं पहनते बट आई डोंट केयर यार, कौन इतना सोचता है। पर मुझे अगर आपको कुछ करना होगा रिकमेंड तो दिस ब्लू वन, नॉट ब्लू, टील वन एंड दिस ब्लैक वन हाईली रिकमेंडेड, जाइए लीजिए बिकॉज इसका इतना लुक अच्छा आ रहा है, मतलब तो बहुत प्यारी लग रही है। समर्स के हिसाब से भी बहुत अच्छी। वैसे दिस वन ये भी थोड़ी अच्छी है, ये भी पहन सकते हो, पर ये थोड़ा ज़्यादा मुझे घाघरा टाइप में लग रहा है। ओके गाइस सो मैं अपने फेवरेट्स भी आपको मैं बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। सो गाइस अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आपको पता ही क्या करना है, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस सब्सक्राइब करिए बिकॉज मैं देख रही हूँ कि लोग व्यू कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, अच्छी बात है, बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, सिर्फ देखते सब्सक्राइब नहीं करते। बिकॉज जब मैं चेक करती हूँ यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग ऐसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियोस देखते। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके गाइस सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा सायोनारा, बाय गाइस बाय।